हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत् गोपेश गोपिका कान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये तीन दिनों में आपको सारे शास्त्रों का तत्व ज्ञान परोसा जाएगा। ध्यान देके सुन के जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अर्थात आपका जीवन संपूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। धन्य या शून्य आपके हाथ में है। तो जीव ईश्वर और माया ये तीन दिन का तीन विषय रहेगा। आज जीव के बारे में हम कुछ प्रकाश डालेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल, सवा लाख का सवाल, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इनका जवाब ज़्यादा संख्या में लोग ये देते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ,
मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ वगैरह। लेकिन ये जवाब सही नहीं है। कोई मर गया तो उनकी पत्नी रोती है कि मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया, मेरा पति चल बसा। तो उनका पति कौन था जो चला गया? उनके पति का मृतदेह उनके सामने पड़ा है और वो रो रही है दोनों आंखों से, फुट फुट के रो रही है, कुट कुट के, मेरा पति चला गया। तो उनका पति कौन था? आत्मा था, शरीर था या दोनों था? तो ज़्यादातर लोग जवाब देंगे दोनों थे, आत्मा भी था और शरीर भी था। तो शरीर पड़ा है सामने तो उनको आधार होना चाहिए था कि हास हाय, आधा तो बच गया, आधा चला गया। तो दिस ये जीवन का तत्व ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं गोरा काला लंबा भारतीय स्त्री पुरुष नहीं हूँ। ये सब शरीर का बयान है और हम शरीर है नहीं। तो हम हैं आत्मा। भगवान श्री कृष्ण गीता की शुरुआत ही वहाँ से करते हैं, दूसरा अध्याय 13वां श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो आत्मा, देहिनो जो देहधारी है आत्मा, देहिनो अस्मिन यथा देहे, यस्मिन ए या देहे, यही देह में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमार यौवन और जरा, ये तीनों प्रकार का शरीर प्राप्त करता है आत्मा। लेकिन आत्मा वही रहता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं है, शरीर का परिवर्तन है। तो ये इससे बड़ा विज्ञान क्या है? विज्ञान, साइंस, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइंस। क्या विज्ञान की ये देही नो आत्मा यही शरीर में, यही जीवन में, राधर यही जीवन में कुमार अवस्था, कुमार शरीर, 5 साल का शरीर, इसको हम पुनर्जन्म विज्ञान, विज्ञान पुनर्जन्म का विज्ञान, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन कहते हैं कि यही जीवन में जीव अलग अलग शरीर प्राप्त करता है।
कौमार शरीर, 5 साल का शरीर, वो शरीर आपका कहाँ है? बदल दिया, जुवान हो गए। और जब बुढ़ापा आएगा तो वो जुवान शरीर कहाँ चला गया? बदल गया। उसी तरह देहांत होता है तो ये देह का अंत, और ये जीव ये देह का अंत होने से दूसरे देह में प्रविष्ट होता है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर बुद्धिमान इसमें मोह नहीं पामता। किसमें? कि यही जीवन में मैं शरीर बदलता आया हूँ। तो जब ये शरीर निकम्मा हो जाए, कब तक आपका हृदय पंपिंग करता रहेगा? सब पंप, किर्लोस्कर का पंप 5 साल में बंद हो जाता है, दूसरा लाना पड़ता है। तो ये पंप 70, 80, 100 साल तक, कितना सुंदर पंप भगवान ने लगाया है, तो कब तक पंपिंग करता रहेगा? भौतिक आखिरी है तो भौतिक पंप, आध्यात्मिक पंप होता तो सनातन होता, लेकिन ये शरीर सनातन नहीं है, आत्मा सनातन है, हम सनातन है, हमारा कुछ भी सनातन नहीं है, टेम्पररी क्षणिक है। इसीलिए धीरस तत्र न मुह्यति, हमें धीर बनना है, धीमता धीमान बनना है, महामति बनना है, बुद्धिमान बनना है। तो बुद्धि क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, ये बुद्धि है। मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि है। तो ये आत्मा न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न जायते न म्रियते, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं। न जायते न म्रियते कदाचिन, कभी भी ये आत्मा का मृत्यु नहीं है और जन्म भी नहीं है। तो हमें ये मृत्यु का डर क्यों? सबको मृत्यु से भय है, सबको। क्यों? गलत फहमी। क्या गलत फहमी? मैं समझता हूं मैं ये शरीर हूं, ये गलत फहमी, और वो रहेगी गलत फहमी। क्यों? कि हम अज्ञान में रहना चाहते हैं, अज्ञान में रहना चाहते हैं। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं। जीव ये कृष्ण का अंश दास है, ऐसा विश्वास हो जाए तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति, उनका दुख का वंस फॉर ऑल नाश हो जाएगा, सदैव के लिए उनका दुख चला जाएगा, दुख नजदीक आ ही नहीं सकता। दुख का घर है ये शरीर, और हम ये शरीर नहीं है। हमारा मृत्यु नहीं है,
न जायते न मृयते, हमारा जन्म नहीं, हमारा मृत्यु नहीं, हम हैं आत्मा, आत्मा का जन्म नहीं मृत्यु नहीं। तो मृत्यु से डर कैसे? और हमारा मृत्यु नहीं जन्म नहीं तो हमें कोई ग्रह से डर क्या? कोई शनि शुक्र या वगैरह वगैरह डर क्या? लोग इधर उधर के भगवान बना लेते हैं और इधर उधर के भगवान मुझे पैसा दे देंगे, मेरे धंधे में बरकत आएगी, इसलिए ये बाबा ये बापू ये नहीं चलेगा। ये सब बेकार, ये सब शरीर के संलग्न में सब चीज़ें हैं, शरीर के संबंध में। शरीर नहीं है हम आत्मा है, और आत्मा अजर अमर सच्चिदानंद, न मृत्यु न जन्म, हमेशा रहने वाला सनातन सच्चिदानंद। तो डर कैसे? लेकिन हमें डर क्यों होता है? हम शरीर समझ लेते हैं, इसलिए शरीर का जो भी धर्म है हमारा धर्म हो जाता है। शरीर मरने वाला वो मैं मर जाऊंगा, शरीर का धर्म है मरना, आत्मा का नहीं। तो ये शरीर ही सब दुखों का कारण है। जैसे कोई सुंदर स्त्री हो और सुंदर स्त्री को मैं अपशब्द कहता हूँ, इंग्लिश में कहते हैं यू अगली रैचेड ओल्ड रिंकल लेडी, हिंदी में कहेंगे कि आप बूढ़ी हो, आप रिंकल, आपका चेहरा बहुत टाइट नहीं है, रिंकल ओल्ड लगती है। तो वो तुरंत चप्पल निकालेगी, है ना, चप्पल उठाएगी। क्यों? कि उनको दुख हुआ। क्या दुख हुआ? मुझे ओल्ड कहते हैं, मुझे रिंकल, मुझे रैचर, मुझे अगली बेरूप कदरूप। तो ये सब शरीर का वर्णन बयान है, शरीर का बयान है। तो वो समझ सी है मैं शरीर हूँ, इसलिए उनको दुख। मैं उनके शरीर की बात कर रहा हूँ, उनकी तो बात नहीं कर रहा। तो ये दुख उनको हुआ, कैसे दुख हुआ वो समझ रहे मैं शरीर हूँ। इसी तरह आप देखोगे आपके सब दुखों का मूल स्रोत आपका शरीर, ये शरीर ही सब दुखों का स्रोत है। आप देखो आपके कोई भी दुख हो, आप समझते हो मैं शरीर हूं, यही आपके दुखों का कारण। तो जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो ना है, उनको दुख नहीं हो सकता। तो ये जीव अनादि काल से, ये तीनों तत्व वैसे अनादि है, जीव ईश्वर और माया अनादि है। अनादि का अर्थ बिगिनिंगलेस, कोई उनका उनकी शुरुआत नहीं, सनातन है, एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा अस्तित्व में थे, उनका कोई मूल नहीं। तो ये जीव अनादि है और ईश्वर भी अनादि है और माया भी अनादि है। तो ये जीव
अपनी छोटी सी स्वतंत्रता और छोटी सी इच्छा शक्ति और छोटा सा कद, इसीलिए वो कुछ भूल कर बैठता है। एक्चुअली जीव ये श्री कृष्ण का ही अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव एक कृष्ण का अंश है, इसीलिए श्री कृष्ण के सब गुण जीव में हैं, लेकिन कुछ कम मात्रा में, कम मात्र। जीव ये अंश है और ईश्वर ये अंशी है, सबका स्रोत है। तो जीव कोई ऐसे समय पर अनादि काल से अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छा, ये दोनों शक्ति भगवान में है, ईश्वर में है, इसीलिए जीव में है। तो अपनी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेता है, और दुरुपयोग क्या करता है कि भगवत विस्मृति, भगवान की विस्मृति, और वो माया के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, विस्मृति। तो ये जीव का सबसे बड़ा पहलू कि जीव कोई काल ऐसा हुआ कि वो ईश्वर से विमुख हो गया, उनका कोई समय काल या डेट आप नहीं निकाल सकते, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हो गया। और क्यों हुआ, उनका कारण मैंने बताया कि जीव ये छोटा है, पामर है, बहुत जैसे छोटा बच्चा हो, तो छोटा बच्चा भूल कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते। उसी तरह जीव ये छोटा कण है, और ये छोटा जीव कुछ भूल कर बैठा। क्या भूल की, कि भगवान ही भोगता क्यों, मैं भी भोगता हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं भी सुखी हूँ, बलवान हूँ, ईश्वर हूँ, भोगता हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, भोग मैं भी भोगी हूँ। तो ये जीव ईश्वर से अलग स्वतंत्रता से भोग भोगना चाहता है। कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकस्त माया तारे झापोटी आदरे। ये जीव माइंड स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, क्या करता है कि मैं भी श्री कृष्ण ईश्वर का कॉम्पिटेटर हूँ, कॉम्पिटिशन, मैं भी ईश्वर हूँ, मैं भी भोगता हूँ। तो ये बच्चा कितना भी प्रयत्न करे लेकिन माँ बाप जैसा नहीं बन सकता, छोटा है, और छोटा होने से वो कई गलतियां करता रहता है, कई गलतियां। तो इसी तरह हम भी, आत्मा छोटा है इसलिए आत्मा गलती करता रहता है। और पहली सबसे बड़ी गलती क्या की, कि मैं भी भोगता हूँ, बहिर्मुख, कृष्णा बहिर्मुख हना,
भोगोवांछा करे, भोग की इच्छा करता है जीव, तो जो आप भगवान से अलग करते हो वो भौतिक है। ईश्वर से जो भी चीज आप अलग करते हो वो भौतिक है, जड़ है, चेतन नहीं है, जड़ है। तो ये जीव भगवान से सब कुछ अलग करना चाहता है, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा अलग। तो वो जो ईश्वर से जीव ने जो भी कुछ अलग किया वो भौतिक है, और जीव भोगोवांछा करे, उनकी इच्छा भोग भोगने की इच्छा जो है वो भी भौतिक हो गई, क्योंकि भगवान के उपलक्ष्य में उनकी इच्छा नहीं है, अलग इच्छा है, इसलिए वो इच्छा भी जड़ हुई। तो जीव को जड़ इच्छा हुई, जीव को जड़ भोग चाहिए, इसीलिए जीव को जड़ शरीर भगवान को देना ही पड़ेगा। ध्यान दो, जीव सच्चिदानंद और जीव सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है, लेकिन अपनी इच्छा का दुरुपयोग, क्या दुरुपयोग, भोगोवांछा करे निकष्ट माया तारे झापोटी आधरे, भोग की इच्छा करता है, तो वो भोग माया है, भोग ये भौतिक है, इच्छा भौतिक, भोग भौतिक, पदार्थ जड़ पदार्थ भी भौतिक, सब कुछ भौतिक, इसीलिए जीव को भगवान अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से जीव को भौतिक शरीर देता है। क्यों? कि वो भौतिक भोग इच्छा कर, भौतिक भोग भोगना चाहता है, इसलिए उनको भौतिक जगत, भौतिक शरीर, भौतिक जगत, भौतिक पदार्थ, सब कुछ भौतिक उनको देना ही पड़ेगा। भगवान अपनी अनुकंपा से ये जीव को देते हैं, तो ये जीव इस तरह भौतिक जगत में आता है, बहिर्मुख होके, बहिर्मुख भोगोवांछा करे। तो ये जीव जो है ये भगवान का अंश है, जैसे मैंने आगे बताया था कि ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और ये जीव हमेश आनंदमय अभ्यासात, हमेश आनंद उनका एकमात्र विषय है। कहाँ आनंद है, कहाँ आनंद है, आनंद को ढूंढता रहता है जीव आनंद, लेकिन उनने इच्छा जड़ की, जड़ शरीर प्राप्त किया, जड़ जगत प्राप्त किया, और ये जड़ जगत में वो आनंद ढूंढता है, आनंद, क्योंकि उनका स्वभाव है आनंद, इसलिए वो आनंद ढूंढता है। तो जड़ जगत में, जड़ जगत में जड़ शरीर से जड़ विषयों का आनंद वो लेना चाहता है, लेकिन जड़ में निरानंद है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आध्यात्मिक और भौतिक निरानंद, सत सनातन, भौतिक सनातन नहीं, टेम्पररी, सच्चित संपूर्ण ज्ञानमय, भौतिक जड़ शून्य ज्ञान, और सनातन आत्मा आध्यात्मिक सनातन,
और जड़ जगत टेम्पररी क्षणिक, उल्टा दोनों का विजातीय स्वभाव है। तो ये आनंद सच्चिदानंद और ये निरानंद में आत्मा आनंद जुटता है तो कहाँ मिलेगा? निरानंद जगत, जड़ जगत जिसमें आनंद नहीं है उसमें ये आत्मा आनंद ढूंढ रहा है। चिड़िया भी सुबह उठ के पहले बोलती चिरिप 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 चिरिप, वेर इज आनंद, वेर इज आनंद, वेर इज आनंद, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है। सबको हर पल आनंद चाहिए। तो ये आनंद आपको विजातीय चीजों में नहीं मिल सकता। पत्थर में तेल नहीं है और पत्थरों में से तेल निकालना आप चाहोगे कैसे निकलेगा, है ही नहीं। उसी तरह जड़ जगत में आनंद नहीं है तो वो जड़ जगत में आप आनंद ढूंढोगे, विजातीय हैं आप आध्यात्मिक हो, जड़ जगत जड़ हैं, निरानंदमय हैं, तो आनंद कहाँ से मिलेगा, विजातीय। तो इसीलिए हमें ये निष्कर्ष पर आना चाहिए कि हमें आनंद चाहिए तो सही जगत पर, सही जगह हम आनंद ढूंढे। और सही जगह क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड, भगवान। जैसे छोटा बच्चा आनंद ढूंढता है, कहीं मिलता नहीं तो माता की गोदी में बैठ जाए तो आनंद ही आनंद, खान पान सब कुछ। तो इसी तरह ये आत्मा जो है ये आनंद ढूंढता है जड़ जगत में, और जड़ जगत में उनको आनंद मिलने वाला नहीं है क्योंकि जड़ जगत निरानंद है। और हम आनंदमय अभ्यासात, हमारा अभ्यास आनंदमय है, हम आनंद, हमें आनंदमय है इसलिए हम आनंद ढूंढते हैं। तो ये आनंद एक ही जगह हमें मिल सकता है, वो है ईश्वर। ईश्वर कृष्ण का नाम ही आनंद है, कृष्ण का नाम आनंद है और उसमें ही आनंद हमें मिल सकता है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, कृष्ण ये रस का आगार है, आनंद का आगार है। रसिक शेखर रेजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद का ये सागर है कृष्ण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। तो जब तक ये जीव बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकस्त माया तारे झापोटी आदरे, जब तक ये जीव कृष्ण विमुख रहेगा तब तक ये माया झापोटी आदरे, उनको मार मारेगी। जीव को मार के हम सुधारक, जीव को सुधार करेगा ये माया। ये जीव जो है उनको माया सुधार करती है, कैसे? उनको झापोटिया, उनको दुख देके। क्यों दुख देगी माया? क्योंकि वो बहिर्मुख, वो कृष्ण से बहिर्मुख, उन्मुख नहीं बहिर्मुख। तो ये सबसे बड़ी गलती है, कृष्ण बहिर्मुख। हम सब कुछ कृष्ण से उल्टा करते हैं। हमारा दुख का निवारण कौन कर सकता है? पैसा, माया, मोहन नहीं, कृष्ण नहीं, निरानंद, सब कुछ उल्टा, सब कुछ। तो इससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन हमें तो ये हम बात कर रहे थे कि ये संसार जो है ये सुधारक केंद्र है, माया तारे झापोटिया
दुख देती है। क्यों दुख देती है? मैंने कहा कई बार, विमुख, कृष्ण से विमुख हो गए इसलिए दुख देती है। और दुख क्या है? हमारा सबसे बड़ा चार दुख है। सबसे बड़े चार दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। ये किसी को अच्छा नहीं लगता। और ये माया हर जन्म में, हर योनि में, आप जहाँ भी जाओगे ये चार चीज़ें आपको देती रहेगी, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। बहुत गंभीर बात है, हम गंभीरता से नहीं लेते ये दुख, चार दुख। बाद में तीन दुख और हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं हमको, क्लेश। देवों से हमें क्लेश होता है। सूर्य अभी बहुत कम निकलता है, बिलो जीरो वेदर, फॉग, कोहरा पड़ता है, ठंडी, दुख। और गर्मियों में बहुत गर्मी, सूर्य 50 डिग्री टेम्परेचर, तो देवी देवताओं से भी हमें दुख होता है। अति बारिश होना, कम बारिश होना, दुख। कम बारिश होगा कुछ पाकेगा नहीं, कुछ खान पान नहीं होगा। बहुत बारिश फिर भी वही देवी इंद्र से दुख। तो देवी देवताओं से हमें दुख होता है, कृष्ण से हमें सुख होता है। कृष्ण से कभी दुख नहीं हो सकता, ईश्वर भगवान से, कृष्ण से कभी दुख नहीं हो सकता। ये आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण पहले हमको देने से पहले वो सोचते हैं कि ये जो मेरा है आत्मा, ये मेरा है, ये जो मेरा है उनको मैं ये दूंगा तो उनकी भलाई होगी या बुराई होगी, वो सोचते हैं। लेकिन देवी देवताएं उनकी श्लाघा, पूजा और थोड़ी सी कुछ अर्चन कुछ कर दिया, खुश हो जाएंगे आपका जो भी हो, लेकिन उनको आपने खुश कर दिया इसलिए जो भी चाहे ले लो। अंतवत्तु फलस्तेषाम, अंतवत्तु फलस्तेषाम तद भवति अल्पमेधशाम। अल्पमेधशाम मेधा बुद्धि, अल्प बुद्धि मतलब बुद्धू। जो बुद्धू लोग होते हैं वो देवी देवताओं के पास ये भौतिक सुख मांगते हैं। और वो भौतिक सुख कैसा होता है? अंतवत्तु फलम तेषाम, अंत वो फल, वो देवी देवताएं सोचेंगे नहीं कि आपकी भलाई का है या बुराई का है, आपको दे देंगे। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तथास्तु, लेकिन उनकी मृत्यु आएगी ये वरदान से वो नहीं सोचा। हालांकि भगवान से उनकी मृत्यु जय विजय है, बहुत ग्लोरियस डेथ है, लेकिन बैक हम वापस जाते हैं कि ये जो निकस्त माया तारे जापोटिया तारे, दैवी दैवी दुख, देवों से दुख, आत्मा से दुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक। सो आध्यात्मिक दुख का अर्थ है हम हमारा दुख खुद पैदा करते हैं, हमारा शरीर से दुख होता है और हमारे मन से टेंशन डिप्रेशन होता है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक। दूसरे आत्माओं से, भूतों से, आत्माओं से हमें दुख होता है। सास बहू को दुख देती है, बहू सास को दुख देती है, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को,
कौटुंबिक लोग ज़्यादातर अपनों से ज़्यादातर कलह करते हैं, दूर वालों से कलह नहीं करते, अपनों से ज़्यादा कलह, तो उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। तो ये जीव जो है, ये जीव उन्मुख उल्टा चलता है, इसलिए माया निकस्त तारे, माया तारे झापोटी आधर, माया दुख देती है। और सही ढंग से जीव को क्या चाहे कि वो जीव भगवान उन्मुख हो, शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय से ही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए, से ही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। शास्त्र साधु गुरु की अनुकंपा से, अगर कोई अनुपकंपा शास्त्र साधु की कृपा प्राप्त कर लें, शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, कृष्ण की ओर जीव उन्मुख हो जाए, तो सही जीव निस्तरे, कितना कितना सरल, कितनी सीधी सी और कितना सरल और कितना आसान बात है, कितनी आसान बात। कृष्ण उन्मुख, कृष्ण विमुख, तो हम विमुख हैं, कृष्ण उन्मुख हो जाए, बस इतनी ही बात। हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे कृष्ण तव अस्मि, कृष्ण तव अस्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, उन्मुख। थोड़ी सी, थोड़ा सा प्रयत्न, ज़्यादा नहीं, इतना ही कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, मुझे आत्मसात कीजिए, मेरा आत्मसात कीजिए, मुझे अपना लीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बस इतना, तुरंत माया छोड़ देगी। शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय से ही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए, माया उनको छोड़ देती है। और उनका चार्ज कौन लेता है? श्री कृष्ण लेते हैं। तो ये बहुत सरल बात है, कोई अटपटी बात नहीं। कल हम जो थोड़ा डिटेल में उनको देखेंगे, लेकिन आज ये जीव ये श्री कृष्ण का अंश है। जीव सच्चिदानंद है, श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद है, और जीव श्री कृष्ण का अंश है। अंश कहते हुए ऐसा नहीं कि कृष्ण के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और सब जीव बन गए, परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न कृष्ण अपरिच्छिन्न है। जैसे कि महादावा नल होता है अग्नि, उसमें से स्फुर्लिंग निकलती है, स्पार्क, तो उसमें भी हीट एंड लाइट है और दावानल में भी हीट एंड लाइट है, क्वालिटी एक है। जीव के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, अर्थात ये जीव का स्वाभाविक जीवन है क्या? श्री कृष्ण का दासत्व करना, ये जीव का स्वाभाविक धर्म है। जीव जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ये जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, इसलिए कई बार महामाया में और कई बार योग माया में न्यूट्रल एनर्जी, जीव ये तटस्थ शक्ति है। तटस्थ और छोटा होने से वो कई बार योग माया, कई बार महामाया। जीव तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो ये जीव ये
इच्छा करता है कि और उनकी इच्छा करना और उनकी शक्ति दोनों सीमित हैं। जीव की शक्ति सीमित है और जीव की इच्छा भी सीमित है, तो इसीलिए उनका जो कर्म है वो भी उनका सीमित, और वो कर्मों के मुताबिक उनको फल मिलेगा। तो जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हलता, तो मैं जो करता हूँ वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा, भगवान शक्ति देते हैं हमें शक्ति, और वो शक्ति का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं और हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हल सकता। तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान की शक्ति, ये जीव भी भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान शक्ति देते हैं, हम ये शक्ति का दुरुपयोग भगवान की ओर जा सकते हैं, भगवान से दूर जा सकते हैं। उदाहरण है जैसे कि पावर हाउस ये इलेक्ट्रिक शक्ति देता है, और इलेक्ट्रिशियन उनको गर्मियों में एयर कंडीशन में उपयोग कर लेता है और सर्दियों में हीटर चला के, गर्मी है ठंडी है, एयर कंडीशन हीटर, लेकिन पावर हाउस नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा। तो इसी तरह कृष्णा ये शक्ति के प्रदाता है, हमें शक्ति देते हैं और हम ये शक्ति का उपयोग दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा बिना हम कुछ नहीं कर सकते, बात सही है। तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और हम करते हैं क्या, अच्छा बुरा करते हैं वो हमारी इच्छा से करते हैं, भगवान की इच्छा से नहीं। हमारी स्वतंत्रता, माइन्यूट छोटी सी स्वतंत्रता का उपयोग दुरुपयोग। तो ये जीव अपनी शक्ति, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेता है। तो जीव का कल्याण कब हो सकता है, तो मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का दासत्व, भगवान श्री कृष्ण का दासत्व का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान की सेवा करने से हम भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम जीत सकते हैं। भगवान कहते हैं साधवो हृदयाम मह्याम साधुत्व हृदयम च अहम मद अन्यात् न जानाति नाहम तेभ्यो मणा कभी। श्री कृष्ण का दासत्व हम करें तो श्री कृष्ण हमारे हो जाते, बाद में हमें कुछ भी चीज का की कमी नहीं रहती। भगवान कहते हैं साधु मेरा हृदय है, और मेरा हृदय साधु है, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते, मेरे बिना और कुछ नहीं जानते, और मैं भी उन साधुओं वैष्णवों के बिना, भक्तों के बिना और कुछ नहीं जानता। तो ये महात्म्य भगवान के दासत्व का कि हम भगवान को भी खरीद सकते हैं उनके दासत्व से, उनकी भक्ति।
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare